రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానాలు చెప్పే పై రాజ్యసభలో ప్రధాని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని రాహుల్ గాంధీని లక్ష్యంగా చేసుకుని పరోక్ష విమర్శలు సంధించారు. కొందరు విపక్ష నేతలు ఇటీవల ఎన్నికల్లో ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని విమర్శించారు. తమ ఓటమికి ఓటర్లను నిందిస్తున్నారని, ఇది సరైన విధానం కాదని హితవు పలికారు. चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार होता गया है. प्रारंभिक जो चुनाव हुए 52 के बाद की शुरू के कालखंड के, महीनों महीनों तक चलते थे. बॉक्स ले लेकर के गांव गांव जाते थे पुराने लोग, जो हम तो उस समय बहुत बच्चे थे. लेकिन जो सुना है उसमें से सुधार करते 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 यहां पहुंचे. एक निरंतर प्रक्रिया है सुधार की, और इसलिए उस सुधार प्रक्रिया को, और पहले का जमाना देख लीजिए क्या था. चुनाव के बाद अखबारों की हेडलाइन क्या होती थी? अखबारों की हेडलाइन यही होती थी कि इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने बूथ कैप्चर हुए. ये तीन मेन न्यूज रहते थे. आज ईवीएम का कारण खबर एक ही होती है कि पहले की तुलना में मतदान कितने प्रतिशत बढ़ा. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूं कि हमने, और हम जानते हैं पहले कैसा होता था, बूथ कैप्चर करना, लूट करना, जो दबांग लोग थे उन्हीं के हाथ में था लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के. और जब से सही अर्थ में लोकतंत्र की प्रक्रिया आई है, ऐसे लोगों का हारने का क्रम भी तभी से शुरू हुआ है. इसलिए उनको उस वापिस जगह पे जाना. देश लोकतंत्र को इस प्रकार से दबोचने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर सकता है. माननीय सभापति जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं देश के सामने भी बात बताना चाहता हूं कि ईवीएम सबसे पहले 1977 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई. अहंकारానికి ఓ హద్దు ఉంటుందని, ఓటర్లను తక్కువ చేసి మాట్లాడడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతే దేశ ప్రజలు ఓడిపోయినట్టుగా ప్రచారం జరుగుతోందని, రాహుల్ ఓడినంత మాత్రాన ప్రజాస్వామ్యం ఓడినట్టు కాదని మోదీ స్పష్టం చేశారు. कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछने जाऊंगा क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुरम में हिंदुस्तान हार गया? क्या और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया? क्या ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया? मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है. अहंकार होना ही नीचे सीमा का कहां सवाल है. लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा. 17 राज्य, 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया. क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेस पहुंचाई है. देश के मतदाताओं को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया. हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूं, और लोकतंत्र में वो स्वीकार्य भी है. इतना ही नहीं, आलोचना सम्मानित है. लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है. और तब जाकर के हो सकता है मेरी वाणी में कोई आंकड़ा